माई किचन ट्रेजर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजमा और सोया के कबाब, वो भी एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ। जी हाँ, हमने इसमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम सोया ग्रैनुल्स लेंगे। उन्हें 15 से 20 मिनट के लिए हमें थोड़े से गर्म पानी में भिगो के रखना है ताकि वे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब हमें उबले हुए राजमा का पेस्ट बनाना है। हम ये बॉयल्ड राजमा मिक्सी में डालेंगे और इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हमारा पेस्ट जितना अच्छा बनेगा, कबाब भी उतने ही अच्छे बनेंगे। राजमा का पेस्ट बिल्कुल तैयार है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम इसे दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। राजमा को मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है और उसको मैंने एक बाउल में डाल लिया। यहाँ हमारे सोया भीगे हुए हैं, इन्हें 15-20 मिनट हो गए हैं गर्म पानी में भीगे हुए। अब हम इसे छान लेंगे और 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे और निचोड़ लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारे कबाब जो है वो ढीले ढीले बनेंगे। इसलिए हमें इसे अच्छे से निचोड़ना है। हमने ये अच्छे से निचोड़ लिए हैं धो के। अब हम इसमें इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे ओट्स। ये बाइंडिंग का काम भी करेंगे और सेहत के लिए भी ओट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। अब हम इसमें मिलाएंगे धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, भुना हुआ जीरा, गरम मसाला, एक नींबू का रस, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। नमक हमने अभी नहीं डाला है, नमक हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डालना है। ये मसालों के साथ ही हम डाल देंगे। मैं पहले डालना भूल गई थी तो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो कबाब है ये बहुत ही हेल्दी बनेंगे, क्योंकि हम एक तो इसे फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे शैलो फ्राई करेंगे और हमने इसमें सोया डाला है, ओट्स डाले हैं, तो ये खाने में भी बहुत ही हेल्दी है। अब हम इसमें नमक मिला लेते हैं, क्योंकि बस अब हम इसे बनाएंगे तो हम नमक डाल लेते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप वो चीज़ छोड़ भी सकते हैं। ये बहुत ही इन कबाब में बहुत सारा प्रोटीन होता है, जो सोया में भी प्रोटीन है, राजमा में भी प्रोटीन होता है। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अब हम इसकी टिकियां बना के रख लेते हैं। आप किसी भी शेप में टिकी बना सकते हैं। मैंने एक बार यही कबाब स्टार शेप में बनाए थे, तो जो कुकी के मोल्ड आते हैं, जो जिससे कुकीज बनती हैं, आप उनके मोल्ड लेकर कोई भी शेप में बना सकते हैं, चाहे दिल की शेप में बनाएं, स्टार शेप में बनाएं। अभी हम इसे गोल बना रहे हैं, तो हम बना के इसको रख लेंगे।
ये खाने में भी बहुत ही फुलफिलिंग होगी। अपने आप में ये बिल्कुल एक कंप्लीट मील है। आप सूप के साथ या चाय के साथ, कॉफी के साथ इसे खाएं तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ऐसे ही हम अपनी सारी टिकियां तैयार कर लेंगे। आप इसे बर्गर में डाल के भी दे सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। नॉन स्टिक पैन में ऑयल गरम करें और उसमें एक एक करके अपनी सभी टिकियां डाल के हमें अच्छे से फ्राई करना है। टिकियों को हमको मध्यम आंच पर ही सेकना है। हम इसे तेज आंच पर बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। कबाब एक साइड से अच्छे से पक जाए तो हम उन्हें पलट लेंगे। हमें कबाब को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं। हमारे ये कबाब दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। कबाब को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया कबाब बने हैं, ऊपर से एकदम क्रिस्पी हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट। अब हम इसे सर्व करेंगे टमाटो केचप, मेयोनीज़ या मिंट चटनी, जो भी आप चाहें। हम आशा करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।